हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप में से काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर्स बनाए जाएं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक पूरी सीरीज शुरू की जाए बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना सिलेबस भी भेज दिया है तो थैंक यू सो मच अभी तक मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरी सीरीज पे काम कर रहा था जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ थ्रू माई प्ले इसके अलावा मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पूरी सीरीज ऑलमोस्ट अपलोड कर दी है सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीरीज

इस इस पूरे मैट्रिक्स को डेवलप किया था इन द अर्ली नाइनटीन सेवेंटीज अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द बिजनेस और प्रोडक्ट आर ऑन देयर मार्केट ग्रोथ एंड देयर रिलेटिव मार्केट शेयर लेट इट मेक वेरी सिंपल फॉर अ कंपनी लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी कॉल्ड मारुति सो वेन वी लुक एट मारुति सुजुकी इट डेवलप्स अ लॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट अब ये बहुत सारी गाड़ियां बनाती है लाइक दे हैव ऑल्टो दे हैव डिजायर दे हैव वैगनर They have Shias, they have Artigo, Artiga. So there are a lot of lot of cars and now if the company wants to assess the performance of these these products. तो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहती है देखना चाहती है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके दो क्राइटेरिया होंगे फर्स्ट होगा मार्केट ग्रोथ और सेकंड होगा रिलेटिवली मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर तो इन दो चीज़ों के बेस पर वो किसी भी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को निकाल सकती है या किसी भी बिजनेस को निकाल सकती है बिजनेस का यहाँ क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल जो क्या टाटा तो टाटा जो है टाटा इज एफ एम टाटा इज इंटू मोटर्स टाटा इज इंटू

पोर्टफोलियो ऑफ योर प्रोडक्ट और द बिजनेस अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं या आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसिस में डील करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस को आप एसेस कर सकते हैं ऑल्सो एक्सप्लेन यू द कैश डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी चल रही है कितना डिमांड है कौन सा प्रोडक्ट कितना हाईली डिमांडेड है कौन सा प्रोडक्ट कितना लो डिमांडेड है वो भी आपको इस मैट्रिक्स के थ्रू पता चल जाता है थर्ड इज द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट कि ओवरऑल प्रोडक्ट का साइकिल कैसा चल रहा है क्या प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है क्या प्रोडक्ट मेच्योर कर रहा है या प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है तो वो भी आपको इस पर्टिकुलर बीसीजी मैट्रिक्स से पता चल जाता है इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिसोर्स एलोकेशन डिसवेस्टमेंट डिसीजन अब अगर तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको उसमें ऑब्वियसली मोर एंड मोर रिसोर्सेज आपको उसके अंदर डालने होंगे जितना ज्यादा आप रिसोर्सेज को अंदर डालेंगे उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा ऑन द अदर साइड जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट को कैसे आपको करना है या उसको बंद करना है ये भी डिसीजन पे लिया जा सकता है विद हेल्प ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि इट इज बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स फर्स्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव मार्केट शेयर एंड अदर इज कॉल्ड द मार्केट ग्रोथ तो उन दोनों को पहले एक्सप्लेन करेंगे बिफोर वी गेट इंग टू मैट्रिक्स टॉक अबाउट द मार्केट शेयर सो बेसिकली व्हाट इज मार्केट शेयर तो मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्केट दैट इज बी सर्विस बाई योर कंपनी टर्म्स ऑफ रिवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम टर्म्स अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूं बेसिकली मार्केट शेयर है क्या मार्केट शेयर एक परसेंटेज में कैलकुलेट होता है सेकेंड चीज इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग टोटल मार्केट अगर टोटल मार्केट हंड्रेड परसेंट है तो उसमें से कितना परसेंट आपके पास है दैट इज कॉल्ड द मार्केट शेयर अब यह दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है फर्स्ट रिवेन्यू के टर्म्स में कितना है रिवेन्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी कि अगर वो बिजनेस सपोज हंड्रेड करोड़ का वो बिजनेस है तो इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड करोड़ आपके पास कितने करोड़ का बिजनेस है उस पर्टिकुलर मार्केट का दैट्स रिवेन्यू टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम की ओवरऑल जितने यूनिट्स बिक रहे हैं उसमें से कितने यूनिट्स आपके बिक रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट शेयर नो लेट्स अब ये कैलकुलेट कैसे होता है समझते हैं किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में हंड्रेड यूनिट बिक रहे हैं और उस हंड्रेड यूनिट में से ट्वेंटी यूनिट जो है वो आपकी कंपनी के हैं दैट मीन्स द फॉर्मुलाइज पॉइंट टू एन एफ यू मल्टीप्लाई दिस विट हंड्रेड परसेंट So so कि ट शेयर से टोटल ज्यादा बिकेंगे तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा सिंपल द हाइर यूर मार्केट शेयर द हाइयर प्रपोर्शन ऑफ द मार्केट यू कंट्रोलियसली बात है कि जितना ज्यादा मार्केट शेयर आपके पास होगा उतना ज्यादा मार्केट कंट्रोल भी आपके पास होगा बिकॉज यू आर द मार्केट लीडर अगर किसी भी फॉर एग्जाम्पल लुक एट इंटेल अब इंटेल का जो मदरबोर्ड प्रोसेसर हैं उसमें शेयर ही नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट है दैट मीन इतना ज्यादा प्रोसेसर जो है नाइनटी टू नाइन्टी फाइव परसेंट लोग उन्हीं के प्रोसेसर्स को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली दे दे हैव अ ह्यूज बार्गेनिंग पावर एंड कैन कंट्रोल द होल मार्केट मार्केट लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ सो इट इज़ फॉर मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस कि मार्केट कितनी अट्रैक्टिव है

ट तो ओवरऑल जो मार्केट का ग्रोथ है वो कितना आ रहा है थर्टी थ्री परसेंट का ग्रोथ चल रहा है मार्केट एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रोथ आर दस वेद टोटल मार्केट शेयर एवेलेबल इज एक्सपैंडिंग जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल मार्केट शेयर बढ़ रहा है टोटल मार्केट शेयर आपका शेयर बढ़े ना बढ़े बट टोटल मार्केट शेयर बढ़ रहा है डिजायर हो गई सेगमेंट था वो भी काफी पॉपुलर था बट रिसेंटली आप पिछले दो तीन सालों में देखेंगे SUV segment, SUV segment में बहुत ग्रोथ दिख रही है अब एस सेगमेंट के भी मल्टीपल सेगमेंट बन गए हैं आगे एमयूवी बन गया है स्मॉल एसयू बन गया है तो वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब अगर एस यूवी सेगमेंट में ही ग्रोथ हो रहा है मतलब नंबर ऑफ एस यूवी की जो गाड़ियां बिक रही हैं वो बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा ओवरऑल जो मार्केट ग्रोथ है एसयूवी सेगमेंट का वो बढ़ रहा है ठीक है तो वेरी वेरी सिंपल तो अगर हमें सिंपल तरीके से समझना है कि मार्केट ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो वी मस्ट डेवलप प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट अगर जहां पर मार्केट ग्रोथ बढ़ रहा है हमें डेफिनेटली वहां के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए दिस इज द बी सी जी मैट्रिक्स बी सीजी मैट्रिक्स यही है लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन द वाई एक्सिस यू हैव मार्केट ग्रोथ एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव मार्केट शेयर अब दिस इज लो एंड दिस इज हाई दिस इज हाई एंड दिस इज लो अब इसके अकॉर्डिंगली आपके पास चार कैटेगरी है यहां पर एंड द फोर कैटेगरी इज द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज स्टार कैटेगरी

एंड लो मार्केट शेयर तो मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है बट आपका शेयर लो है एज अ कंपनी योर शेयर इज लो तो प्रोडक्ट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है मार्केट में ऑब्बियसली हमें नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कहां से स्टार्ट करता है वो एज अ क्वेश्चन मार्क स्टार्ट करता है दे विल एब्सॉर्व ग्रेट अमाउंट ऑफ कैश इफ द मार्केट शेयर रिमेन्स अनचेंज ऑब्वियसली बात है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी में ग्रोथ है लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत कम है जैसे उस एस वाले एस वाले एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं अब एस में तो ग्रोथ हो रहा है बट अगर आप देखें मारुति एज अ कंपनी डजेंट हैव अ वेरी स्ट्रांग एस इन द मार्केट सभी कंपनीज के पास एक अच्छा एस है फॉर एग्जाम्पल टोयटा हैज़ इनोवा देन यू हैव रिनॉल्ड हैज डस्टर देन यू हैव हैज डब्ल्यू आर वी एंड बी आर वी महिंद्रा हैज स्कॉर्पियो तो हर कंपनी के पास एक अच्छा एस है बट इज स्ट्रगलिंग इन टू एस सेगमेंट इसके पास उतना कोई अच्छा एस नहीं है इवन दे हैव कार्स लाइक अर्टिगा बट वो इतना ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं है अब क्या समझ में आता है कि आपको ऑब्वियस ही बात है कि अगर मार्केट शेयर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा बिकॉज कस्टमर की आपकी गाड़ी के लिए उस में नहीं है, mark, की खासियत क्या है? कि वो तीनों कैटेगरी में जा सकता है वो स्टार भी बन सकता है वो कैशकॉ भी बन सकता है या वो डॉग बन जाएगा बिल्कुल तो तीनों पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टमेंट शुड भी हाई फॉर क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट अब सिंस द प्रोडक्ट इज न्यू प्रोडक्ट काफी नया है तो आपको बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू पुश दिस प्रोडक्ट मार्केट में इस प्रोडक्ट को पुश की रिक्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा प्रमोशन बहुत ज़्यादा सेल्स प्रमोशन बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोशनल इवेंट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी टू प्रमोट योर प्रोडक्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी एंड कॉल द स्टार कैटेगरी द स्टार कैटेगरी इज हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर प्रोडक्ट में भी काफ़ी ग्रो हो रहा है और आपका शेयर भी काफ़ी हाई है उसके उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए तो स्टार्स आर बेसिकली लीडर्स इन बिजनेस सो व्हेन यू आर मार्केट लीडर आप किसी भी चीज़ में अगर मार्केट लीडर हैं फॉर एग्जांपल द हैचबैक कार्स में मारुति का कोई मुकाबला नहीं है एंड दे आर कंप्लीटली क्लियरली विनर इन दर स्विफ्ट सेगमेंट जो स्विफ्ट और ऑल्टो वाला सेगमेंट है उस सेगमेंट में मारुति बहुत स्ट्रांग है और दे आर लीडिंग इन दैट कैटेगरी सो दे रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स लार्ज मार्केट शेयर बात है कि आपके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है तो आप बहुत ज्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं उस प्रोडक्ट कैटेगरी का इसी वजह से आपको लगातार उसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा सो दैट कि आपका मार्केट शेयर लूज ना हो जाए तो यहां पर जो लड़ाई है क्वेश्चन मार्क में क्या था हमें मार्केट शेयर बढ़ाना था यहाँ पर लड़ाई क्या है यहां पर है हमें मेंटेन करना है वी नीड टू मेंटेन आर मार्केट शेयर इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ कैश कंजम्पन एंड कैश जनरेशन दोनों चीजें होती हैं बहुत ज्यादा कैश आप पुटिंग करते हैं तो कैश कंज्यूम भी होता है और बहुत ज्यादा सेल्स होती है इस वजह से कैश जनरेट भी होता है अटेम्प्ट शुड बी मेड टू होल्ड द मार्केट शेयर अदरवाइज द स्टार विल बिकम अ कैश कॉक आपको अगर स्टार को लगातार परफॉर्म कराते रहना है अगर वो आपको लगातार तो एक तो उसकी इनोवेशन लगातार उसकी न्यू न्यू प्रोडक्ट्स न्यू न्यू सीरीज उसका मार्केट में आते जाना चाहिए दैट मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट इन टू द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड ऑल्सो इन टू प्रमोशन ऑल्सो हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अदरवाइज वो क्या होगा वो कैश कॉ में कन्वर्ट हो जाएगा सो लेट्स टॉक अबाउट कैश कॉ अब कैश कॉ पे आ ही जाते हैं द ग्रोथ इज लो बट योर मार्केट शेयर इज हाई ओवरऑल जो मार्केट का ग्रोथ है वो डाउन हो गया है लोग अब उस तरह की गाड़ियों को पसंद नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपका मार्केट शेयर हाई है जितनी भी बिकती है उसमें आपका बहुत बिकता है आपके प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं सो दैट्स दैट इज दल्ड कैशकॉ दे आर द फाउंडेशन ऑफ कंपनी एंड ऑफन द स्टार्स ऑफ यस्टरडे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत स्टार होता है पहले और धीरे 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 करके कैशकॉम में कन्वर्ट हो जाता है मेरे को एक गाड़ी का याद आता है एंड दैट्स कार वॉज मारुति एट हंड्रेड तो धीरे 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 करके वो प्रोडक्ट कैश कॉम में चलता रहा बहुत दिनों तक फाइनली कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बंद किया और उसकी जगह आप ऑल्टो पे फोकस कर रहे हैं और उसको भी कैश कॉम में वो लाना चाहते हैं दे जनरेट मोर कैश देन रिक्वायर्ड जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें लेस इन्वेस्टमेंट पर आप हाई कैश कमाते हैं सो यू हैव लेस इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव हाई कैश रिटर्न आपको पैसा भी कम लगाना है और आपको कमाई भी बहुत ज्यादा मिलेगी बिकॉज देर इज अ स्ट्रांग ब्रांड रिकोग्निशन इन द प्रोडक्ट देर इज अ स्ट्रांग लॉयल्टी फॉर दैट प्रोडक्ट आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोग खुद खरीदते हैं जैसे नेस्ले का एक प्रोडक्ट है कॉल्ड एज मैगी अब मैगी को मार्केट में बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती मैगी अपने आप ही मार्केट से बिक जाता है इट्स ए कैश का प्रोडक्ट आपको इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे मैगी में तभी वो मार्केट से बिकता रहेगा सो दे एस्ट्रैक्ट द प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग अ लिटिल कैश जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था कि इसमें पैसा कम लगाना पड़ता है बट आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं दे आर लोकेटेड इन एन इंडस्ट्री दैट इज मेच्योर नॉट नॉट डिक्लाइनिंग नॉर ग्रोइंग ये ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी हो चुका है जो बिल्कुल फ्लैट लाइन से बढ़ रहा है ना तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कैश को आपको इक्वल रिटर्न देते रहते हैं

हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क से ही डॉग में चला जाए ये भी होता है कि आप क्वेश्चन मार्क में अभी ही हुआ और थोड़े दिन बाद ही वो डॉग में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट नहीं रहा मार्केट में और या तो फुल साइकिल फुल साइकिल भी हो सकता है या सिंगल जंप भी हो सकता है फ्रॉम क्वेश्चन मार्क टू डॉग्स सो इट इज हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट कही कहीं ना कहीं ओवर अप टाइम पीरियड क्या होता है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाती है किसी फील्ड किसी किसी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है एंड दैट्स द रीजन व्हाई व्हाट हैपेंस इज आपकी कॉस्ट बहुत लग रही है और प्रोडक्ट का फिर भी क्वालिटी उतना उस लेवल का नहीं है आपका कॉम्पिटेटर उससे भी बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में दे दे रहा है सो बिजनेस सिचुएटेड इन डिक्लाइनिंग स्टेज प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिक्लाइन कर रहा है आपको कोई ज़्यादा फायदा उससे हो नहीं रहा आपके पैसे फंस गए हैं सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप डॉग्स को या तो सेल आउट कर दो अगर वो बिजनेस है और अगर वो प्रोडक्ट है तो आप उसको बंद कर दो दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू द सेम हैपन विद मारुति एट हंड्रेड ऑल्सो मारुति एट हंड्रेड भी पहले कैश काउ था फिर धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन करने लग गया लोग ऑल्टो को खरीदने लग गए मारुति इंटरनेट को बंद कर दिया तो फाइनली कंपनी ने प्रोडक्ट भी बंद कर दिया तो देर आर सटन लिमिटेशन टू बी सी जी मैट्रिक्स द फर्स्ट लिमिटेशन दैट इट ओनली यूजेस टू डायमेंशन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ दो ही डायमेंशन यूज करता है मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ और इसी के बेसिस पे ये डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है कौन सा प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है जो शायद बहुत बहुत बेस्ट अप्रोच नहीं है और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए गए थे सेकेंड प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग डाटा रिलेटेड टू मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ हर प्रोडक्ट कैटेगरी में हर कंपनी के लिए मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को कैलकुलेट करते रहना टाइम टू टाइम इतना आसान नहीं है कई बार आपको डाटाज और नंबर्स नहीं मिलते टू कैलकुलेट दिस फिगर सो दिस इज़ वन थिंग या आप जब तक कैलकुलेट करते तब तक काफ़ी डिले हो चुका होता है दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट हाई मार्केट शेयर डजेंट मीन्स प्रॉफिट ऑल द टाइम एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उस लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट ही बना रहे होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है आप किसी चीज को इतना लो कॉस्ट में बेच चुके हो या बेच रहे हो कि आपको वहां से कोई खास प्रॉफिट हो ही नहीं रहा एंड द फाइनल पॉइंट इज द बिजनेस विद लो मार्केट शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल टू अब किसी दुकानदार का कंसेप्ट क्यों नहीं समझते फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर दुकान में हम मिल्क प्रोडक्ट रखते हैं और एक एक दुकानदार एक दिन में 50 मिल्क के पैकेट्स बेच रहा है दूध के पैकेट 50 बेच रहा है अब जो वो 50 पैकेट बेच रहा है उस पर उसको एक रुपए की कमाई है तो उसने कितना रुपए कमाया फिफ्टी रुपीज़ कमाए उस दूध के पैकेट्स को बेचकर और उसकी जगह पर लेटर सपोज वो कोई रुअ की बोतल बेच रहा है अब जो रुअ की बोतल है वो एक दिन में उसको उस पर लेटर सपोज टेन रुपीज़ की कमाई है तो टेन रुपीज़ की कमाई में अगर उसने दिन भर में छह या सात बॉटल भी बेच दिए तो भी उसको सेवेंटी रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो वॉट इम्पोर्टेंट इज आपके नंबर्स लो हैं बट आपका प्रॉफिट हाई है और यहां पर आपके नंबर्स हाई हैं बट आपका प्रॉफिट लो है है और और यही एक्सप्लेनेशन इस थर्ड सेकंड फोर्थ पॉइंट की सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल ऑफ अंडरस्टूडी मैट्रिक्स इट इज वन ऑफ द गुड मैट्रिक्स टू एक्सप्लेन एंड एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड द बिजनेस यूनिट्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग